एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यू वाचिंग पेनाज व्लॉग। तो कैसे आप सब गाइज? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो भी कमेंट में बताओ क्या हालचाल है आपके। गाइज, दो दिन मैं व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। वो यूट्यूब के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टा पे ना, तो उसके मैसेज आ रहे हैं, मैं वो पढ़ने लगी थी। तो कहीं आज का ये व्लॉग होने वाला है मोस्ट डिमांडिंग Q&A व्लॉग, बिकॉज मेरा अभी कुछ व्लॉग बनाने का मन नहीं है। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, तो इसलिए मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत टाइम से सबका याद आती थी Q&A व्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा चलो Q&A व्लॉग बनाते हैं। तो मैंने यार, मैं पहले यहाँ स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस। बाप रे, ये तो मैं 10 व्लॉगों में भी इनके जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझे लग रहा है। फैन की बहुत तेज आवाज हो रही है। नहीं, ठीक है। तो गाइज, आपने देख लिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अभी भी आपको दिख रही होगी। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आप लोग बताओ मैं कैसे जवाब दूंगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी इतने क्वेश्चंस का जवाब देते देते। तो मैंने क्या करा है, सिमिलर क्वेश्चंस उठाए। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इसमें फालतू हैं जिनका मैं जवाब देना समझती नहीं। ठीक, बहुत सारे अच्छे थे, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं जवाब देना चाहती हूँ, पर ये सोशल मीडिया में यहाँ पे जवाब दे नहीं सकती, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं उठाए, उन्हें मैंने स्किप कर दिया। तो सॉरी, उनके मैं आंसर दे सकती थी पर मैं नहीं दे सकती। गाइस, अभी मेरे एक पार्सल आया है, देखो चूड़ा है इसमें, कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने जब देखा था ना, तब मैंने सोचा था इतना सुंदर नहीं होगा, बट हाँ बहुत प्यारा है। तो चलो, देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना Q&A व्लॉग, और इसके बाद मैं करूँगी रेगुलर व्लॉग्स, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है, बिल्कुल मेरा मन ठीक नहीं है। तो मैंने कुछ ये स्क्रीन भरी है जो है, बस इनके अलावा ज़्यादा जवाब नहीं दूंगी मैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, आप पम्मी चीचू, नहीं ये वाला नहीं करते हैं पहले हम। सबसे पहला क्वेश्चन, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है इस क्वेश्चन ने। सेकंड बेबी प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो क्या सेकंड बेबी प्लान कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कितनी बार बताऊं। आजकल एक बच्चे को, पहली बात तो मेरी एज बहुत कम है, कोई लोग मानते ही नहीं है कि मैं 21 की हूँ, तो मैं उसमें कोई प्रूफ नहीं दे सकती, बट आई एम ओनली 21। तो मेरे पास अभी एक बेबी है, 19 की एज में मेरी शादी हो गई थी, शादी को मेरे 2 साल हो गए हैं। नोना मेरे, तो बोल ले भाई पहले, 60 रुपये 60 रुपये। तो अरे यार, बाल्टी वाई पर छुपी नहीं रहा। तो गाइस, हाँ पीछे कोई सामान बेचने वाले भैया आए हैं। तो गाइस, हाँ सेकंड बेबी प्लानिंग कोई नहीं है, क्योंकि मैं अभी 21 की हूँ, और नोना हमारा प्री प्लान बेबी नहीं था। ये आप लोगों को मैं पहले भी व्लॉग्स में क्लियर कर चुकी हूँ। नोना गॉड गिफ्टेड, मतलब एक कह सकते हैं कि हो गया था, नोना रह गई थी, तो फिर सबने ये बोला कि चलो कर लो फर्स्ट बेबी है, और ऐसे अबॉर्ट करना या फिर टैबलेट्स खाना ठीक नहीं है, फर्स्ट बेबी है, चलो कर लो। सेकंड बेबी कब होगा। और फिर इसी में एक क्वेश्चन है कि नोना तो आ गई, अब उसका भाई कब आएगा, तो आप सेकंड बेबी कब करोगे। तो गाइस, मैं जब भी सेकंड बेबी करूंगी, फिलहाल तब तक कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक, 5 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी करूंगी, तो मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं करूंगी कि मुझे नोना का भाई चाहिए। तो ऐसे बेहुदा क्वेश्चंस ना करा करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे ना। पता है क्या, मैंने अपना प्रेगनेंसी वाली जर्नी आप लोगों को बताई थी ना, तो कई बार मेरे दिमाग में आता है कि सेकंड बेबी करूंगी तो मुझे फिर से वही सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। जिसने मेरा सी सेशन वाला व्लॉग नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाके देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैंने उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें झेली थी, तो मुझे फिर से ये लगता है कि फिर से ही मुझे ये लोगों का जाहिलपना झेलना पड़ेगा जो मेरे साथ हुआ था। लोगों ने इतना पिंच करा था, मतलब सामने से, व्लॉग में कमेंट्स में नहीं, सामने से, तो मुझे वही सब चीज़ें फील होती है। तो सेकंड बेबी का अभी तक दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है, ऐसा कभी कुछ होगा, बस मैं थोड़ा मोटी होती रहती हूँ, पतली होती रहती हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि प्रेरणा प्रेग्नेंट हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा मोमोस्टोमिन का पेट निकल जाता है, जब छोड़ देती हूँ तो अंदर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड कमेंट के ऊपर, जो कि है आपकी यूट्यूब इनकम। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपकी यूट्यूब इनकम, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, साइड में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, उन पे नाम आप लोगों के आ जाएंगे। जिन्होंने बोला हमारा नाम हाइड करना, तो उनके मैंने अभी लिए नहीं है स्क्रीनशॉट, मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। तो आपकी यूट्यूब इनकम, तो गाइस ऐसे ना, हम एक यूट्यूब का ही गाइडलाइंस भी होती है कि हम अपना पूरा यहाँ पर दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो मेरी कुछ यूट्यूब की इनकम फिक्स नहीं होती, वो हमारे हाथ में होती है, जितनी वीडियोज डालती हूँ उतनी इनकम आ जाती है, जितना आप लोगों का प्यार रहता है उतनी इनकम आ जाती है। और बहुत सारे कमेंट्स थे आपकी सॉन्ग की इनकम, तो सॉन्ग की इनकम कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्योंकि सॉन्ग से हमने कुछ नहीं कमाया, वो सिर्फ हमने अपने एक शौक के लिए बनाया था, और उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उसकी जीरो इनकम आई है, उसकी कोई इनकम नहीं है। और मेरी यूट्यूब इनकम इतनी है जितना मैं अभी इस फोन में व्लॉग बना रही हूँ, कभी इतनी आ जाती है, कभी इस फोन जितनी आ जाती है जितने का ये है,
कभी उस फोन जितनी आ जाती है जिसमें मैं व्लॉग बना रही हूँ 14 Pro Max, कभी उतनी आ जाती है जितने में एक बुलेट आ जाए, या फिर कभी मतलब कुछ फिक्स नहीं है मेरे ऊपर। ये कि मैं जितने व्लॉग्स बनाती हूँ, जितना आप लोग प्यार देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ पेमेंट फिक्स नहीं होती, बट हाँ सैलरी आने की डेट फिक्स होती है। बस ये होता है कि जैसे मंथली सैलरी आती है ऐसे ही यूट्यूब की सैलरी आती है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है दी आप सबके लिए इतना करते हो पर सैड हो जाते हो, कोई नहीं श्याम बाबा सब देख रहे हैं, मन्नत। थैंक यू डियर श्याम बाबा को ना मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ खाटू श्याम जी से। मतलब मैं बहुत सारे मंदिर गुरुद्वारे जाती हूँ, बट मैं आज तक इतना अटैच किसी से नहीं हुई। मैं हर मंदिर हर गुरुद्वारे गई हुई हूँ, बट खाटू श्याम की ना मेरी अब ना पता है, मैंने एक कमेंट पढ़ लिया ना इसमें खाटू श्याम लिखा, मेरा अब भी मन कर रहा है कि मैं जाऊँ, पर वही है कौन लेके जाएगा। तो मेरा बहुत ऐसे मन कर जाता है कि जाऊँ। तो इतना करते हो गाइज, भगवान तो सबका ही देखता है, कोई किसी के लिए कितना ही कर लो और सामने वाला देखे ना देखे, पर भगवान सबका देखता है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, और बहुत सारे इसमें इतने घटिया लोगों ने कमेंट करे ना, मैं ऐसे कमेंट करने वालों को और ऐसे कमेंट पढ़ के खुश होने वालों को कुछ भी नहीं गदानती, जो ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं किसी के लिए भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने बोला कि मेरा नाम मत दिखाना, ठीक है। इनके बहुत सारे कमेंट्स थे बट मैंने एक ही का स्क्रीनशॉट ले रखा है। दी जिनको आपने ही स्टार बनाया वो आपके लिए ही कमेंट में गालियां देख के खुश होते हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं भी कोई स्टार नहीं हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टार बनना बहुत बड़ी बात होती है। अभी हम भी नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल हो, हम आप जैसे ही हैं और आप हमारे जैसे ही हो, हम एक ही हैं। बस ये है कि आप हमें स्क्रीन में देख लेते हो तो आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। व्लॉग बनाना बहुत छोटी बात है, आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान करे आप लोग भी बनाओ, आप सब कमाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं तो बनाओ यूट्यूब का, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक व्लॉग में बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें होती है, जितनी मुझे नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम कर सकते हो। जितनी लेडीज़ हैं सब बनाओ, अच्छी बात है, आप लोग कमाओगे अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है व्लॉग बनाना। तो इन्होंने कमेंट करा, मैं आपको कुछ एसएस भेज रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो दो कमेंट हैं जिनका मैं बहुत ज़्यादा ना हद तक रिप्लाई देना चाहती हूँ। इस आईडी को मैं वैसे ब्लॉक कर चुकी हूँ, आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, गुजर है 888। कम से कम आपके जैसे संस्कार तो मिलेंगे जहाँ वो घर की इज्जत का मतलब समझे। आप नोना को अपने पास ही बुला लो, वो तो उसकी मौसी और उसकी महतारी अपनी तरह ही बना देंगी, एंड में सबको लात मार के भाग के शादी कर लेगी। पहली बात, भाग के शादी मैंने करी, इस चीज़ को लेकर लोग बहुत बकवास बनाते हैं, बहुत बकवास बनाते हैं। और दूसरी बात, नोना और नोना को लेके कि उसे यहाँ मत रखो, मासी और नानी अपने जैसे बना देंगे। मेरी माँ के संस्कार, जिसने भी ये कमेंट करा है, तेरी माँ के संस्कार से लाख गुना अच्छे हैं। मेरी माँ के संस्कार उन्हें किसी और के दम पे उछलना, किसी का फायदा उठाना, लल्लो पोचो करना, झूठे ढोंग करना, तमाशा करना, ठीक है, बकवास करना और अच्छे बनने का नाटक करना, ये सब नहीं सिखाया है मेरी माँ ने। मैंने भाग के शादी कर ली, वो चीज़ अलग है, किसी की माँ भी नहीं सिखाती होगी। वैसे आप लोग भी है, किसी की माँ ये नहीं कहती होगी कि भाग के शादी कर लो, है ना। ना मेरी ने कहा ना किसी और ने कहा, वो मेरा खुद का डिसीजन है। तो ये किसी की माँ के संस्कार नहीं होते, और तेरी माँ के संस्कार से लाख गुना अच्छे संस्कार है मेरी माँ के। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसा हमारी माँ ने, मेरी माँ ने हमेशा ये सिखाया है, दूसरे का कभी दिल मत दुखाओ। इतना इतना लोगों ने ना मेरे साथ बहुत सारी चीजें, मैंने ना 21 की एज में ना गाइस बहुत सारी चीजें फेस कर ली, बहुत ज्यादा। और जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से तो मतलब मुझे लगता है मेरी 19 में शादी हो गई थी, मैं 19 इयर्स में इतना नहीं रोई या मैंने इतनी चीजें फेस नहीं करी जितनी मैंने 2 साल में कर ली। वो तो बस ये है कि पम्मी अच्छे ना हो ना तो मैं तो कोई भी चीज मैनेज ही ना कर पाऊं। मैंने मतलब इतनी सारी चीजें मैनेज कर ली। और जो ये पूरा कमेंट है आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि सबको लात मार के भाग के शादी कर लेगी, महतारी अपनी तरह ही बना देगी, कम से कम उसे आपके जैसे संस्कार मिलेंगे, तुम्हारे जैसे संस्कार मैं अपनी बेटी को देना भी नहीं चाहती। जिसने कमेंट करा है ना, और जिस जो इस कमेंट को पढ़ के राजी हो रहे हैं, तो तेरे जैसे घटिया संस्कार ना मैं अपनी बेटी को देना भी नहीं चाहती। मेरी मम्मी बहुत अच्छे संस्कार देगी। और इस बात को लेकर कि नानी क्या रहती है, नानी क्या रहती है, यार तो क्या हो गया, नानी क्या रहती है, बच्चे खूब पलते हैं नानी के यहाँ। मुझे मिसाल देते हैं आस पड़ोस में कि वो भी अपना बच्चा अपने पास रख रहे हैं, तो मुझे उनसे क्या लेना, मेरी मर्जी, मैं ऐसे रखने में कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें क्या लेना। अब जैसे वशु है, वशु हमारे पास रहती है, वो तो मेरी नंद का यूट्यूब चैनल नहीं है, वरना तुम तो उसे जीने ही नहीं देते कि तूने अपनी लड़की वहां रख रखी है। वशु 12 साल पहले भी रह के गई है और अभी फिर से रह रही है, उसकी स्टडी वगैरह सब यही होगी, तो तुम तो जीने ही नहीं दोगे, बच्चे नानी क्या रह ही नहीं सकते। अरे मेरी मर्जी, मेरा बच्चा। और रही बात संस्कारों की, तो मेरी माँ के संस्कार बहुत अच्छे हैं, लाख गुना। जिसने ये कमेंट करा और जो इस कमेंट को पढ़ के राजी हो रहे हैं और खुश होते हैं ऐसे कमेंटों से, तो मेरी माँ के संस्कार तुम्हारी माँ के संस्कारों से लाख गुना अच्छे हैं। मैं देख चुकी हूँ तुम्हारे संस्कार, कमेंट करके दिखा दिए तुम लोगों ने संस्कार तुम्हारे कैसे हैं।
तो बोलने से पहले अपनी औकात में रह के बोला करो। और मैं तो सीधा भाई कहती हूँ कि कमेंट में भौंकने से अच्छा, फेक आईडी बना के भौंकने से अच्छा रियल आईडी से बोलने का दम है ना, तो एक बार बोल के देखना, बीच में से फाड़ ना दिया ना तो नाम बदल देना। और नोना को लेके तो कुछ भी मत बोला करो, कोई भी अगर मुझे पता लग जाए फेक आईडी वाले कौन है तो शायद तुम सही से रहो ना, और तुम्हें मैं वीडियो और व्लॉग बनाने लायक छोड़ू ना, और ऐसे कमेंट करने लायक छोड़ू ना। बस कुछ ये चीजें होती है कि सोशल मीडिया पे ना बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सोशल मीडिया की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, वरना मैं यहीं पे सही कर दूं लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे ससुराल के रिलेटिव्स या आपके शॉर्ट्स कपड़े देखकर कुछ नहीं बोलते क्या, जैसे पम्मी जीजू को चड्डा, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो गाइज मैं एक चीज है, मेरे इन लॉज भी या फिर मेरी फैमिली भी, मेरे पापा गुस्सा करते हैं अभी तक मेरे शॉर्ट्स को, मेरे पापा गुस्सा करते हैं, मम्मी भी कई बार बोल देते हैं ये वाला छोटा है ज्यादा, इसको मत पहन ये वो। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका हस्बैंड अगर सपोर्टिव है, पम्मी मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। और पम्मी का कहना ये है कि वो स्टार्टिंग से ही पहनती है, मैं ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आई और बिगड़ गई, किसी को देखा देख पहन रही हूँ शॉर्ट्स पहन रही हूँ या किसी को देखा देख कुछ कर रही हूँ, मेरा ये सब स्टार्टिंग से ही है। मेरा इन सब चीजों में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, व्लॉग बनाना वीडियो बनाना या शॉर्ट्स मैं स्टार्टिंग से पहनती थी। तो पम्मी को या फिर मेरे इन लॉज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे, और रिलेटिव्स को हो जाती है, जो आसपास के लोग हैं रिलेटिव्स हैं तो उन लोगों को हो जाती है, तो उनकी दिक्कत से मैं कुछ नहीं लेती। और मम्मी सपोर्टिव है तो मैं और किसी से कुछ नहीं लेती, और जब हस्बैंड सपोर्टिव होता है ना तो इन लॉज अपने आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा हस्बैंड ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है। और रही बात ये शॉर्ट्स वगैरह पहनने की, तो मैं किसी को देखा देख होड़ नहीं करती शॉर्ट्स या जीन्स या कुछ भी, तो मैं पहले से ही पहनती हूँ तो किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पहनती हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं मना करता इन चीजों के लिए। हाँ मेरे पापा जरूर मना करते हैं कि ये बहुत छोटा है ये वो, अगर हम कहीं जा रहे हैं मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन ली ना, आपने देखा होगा जब पापा जाते हैं तो मैं बहुत कम शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ क्योंकि वो मना करते हैं मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप जीजू से कितने दिन बिना लड़ाई के निकाल लेते हो या लड़ाई करके निकाल लेते हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस हमारी लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, अब तो बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब बिल्कुल भी नहीं होती। और हाँ अगर हमारी लड़ाई हो गई तो मतलब आधा घंटा बस लड़ाई के बाद, हाँ अगर बीच में कोई आग ना लगाए घी ना डाले तो सिर्फ आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट, हाँ अगर उसे उसकी छाती पर सिखाने वाले बैठ जाते हैं तो फिर लड़ाई हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी खींच सकते हैं, क्योंकि जब इंसान को एक टोटली भरा जाता है ना, तो चाहे मैं हूँ चाहे पम्मी हो चाहे कोई भी हो, तो हमारी लड़ाई ज्यादा चलती है। और हाँ अगर कोई नहीं है बीच में हम दोनों की बात है ना, तो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इससे ऊपर हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं चलती। पर हाँ अगर उसे कोई सिखाने वाला बैठा है और उसका माइंड वॉश करने वाला बैठा है तो बहुत ज्यादा चलती है लड़ाई। आपको पता है मैं फैन ऑफ करके व्लॉग बना रही हूँ कि आप लोगों को आवाज ठीक से आ जाए, मैं पसीने पसीने हो गई हूँ देखना, और कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। एक कमेंट आया था, दीदी आप इतने गोरे कैसे हो, तो गोरी नहीं हूँ बस यही कलर है मेरा ओरिजिनल, ज्यादा गोरी तो नहीं हूँ बस इतनी ही हूँ, बहुत गोरी होती ना तो कभी फॉरेन कंट्री जाती। हाँ एक कमेंट आया था कि दीदी आपको कभी बाहर जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाओगे। गाइस मैं कभी गोवा नहीं गई, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे गोवा जाना है, मुझे अदर कंट्री वगैरह मतलब अमेरिका पे अमेरिका नहीं जाना, मुझे गोवा जाना है। पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी, जाएंगे मैं और पम्मी जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे, मैंने ये सोच रखा है। तो कौन सा क्वेश्चन रह गया, अब मैं ये देख लूँ जरा फटाफट। तुम आजकल उदास क्यों, इट्स मन्नू, इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं करना चाहती थी, तो एक मैंने इनका उठा लिया क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। तुम आजकल इतनी उदास क्यों लग रही हो, कुछ बात है क्या, हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं तो भाई बहुत, मेरा क्या है ना गाइस, मैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को ना दिल पे ले लेती हूँ क्योंकि मुझसे खेल खेलने तो आते नहीं है, ड्रामे करने तो आते नहीं है, तो मैं अंदर ही अंदर खुद ही हर्ट होती रहती हूँ, खुद ही हर्ट होती रहती हूँ, ना किसी को कुछ बोल पाती हूँ, और मेरा बस तो सिर्फ पम्मी पे चलता है। तो मैं थोड़ा उदास होती हूँ तो उनसे ही लड़ लेती हूँ, उन पे ही चिल्ला लेती हूँ, वही मेरी बातें सुन लेते हैं, तो बस यही है, उदास होती हूँ तो उन्हीं पे बस चला सकती हूँ, वरना मेरा कोई नहीं है बस मेरे हस्बैंड के अलावा, तो मैं तो अपने हस्बैंड पे ही अपना बस चला लेती हूँ। और पम्मी ना बहुत ज़्यादा समझदार है, वो औरों की तरह नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। तो मैं उन बस ये है कि मैं अगर उदास होती हूँ या मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं औरों पूरे घर में या फिर सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी अपने घर में या ससुराल में ड्रामा तमाशा करने से अच्छा मैं पम्मी से लड़ लेती हूँ, उनको बोल देती हूँ, और वो भी इतने समझदार हैं, मैनेज करते हैं कि वो ना मेरी सारी बकवास सुनते रहते हैं, हाँ ठीक है
कि हाँ उन्हें सुन लेते हैं कि हाँ ये शांत हो जाएगी और बस मेरा इतना ही हो जाता है। फिर मैं उदास रहती हूँ बहुत दिन तक, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना वो छल कपट है नहीं। अब दुनिया को जो मर्जी लगता रहे मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने यही क्वेश्चंस चुने थे, होप आप समझ गए होंगे। और प्लीज देखो मेरी बेटी को लेके यार कोई भी कमेंट मत करा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग नोना को लेके कुछ बोलते हो। देखो आप भी माँ हो, ठीक है। एक मम्मी के व्लॉग पे कमेंट आया था कि ऐसी माँ किसी को ना दे, ऐसी बेटी किसी को ना दे, कुछ ऐसा करके था। मम्मी ने पार्टिकुलर व्लॉग बनाया था, मैंने मना करा कि नहीं छोड़ो यार इन लोगों का रिप्लाई देना। तो ऐसी माँ भगवान आपको दे भी नहीं सकता। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना अपनी बेटी के लिए ही कर रही हूँ, ठीक है, अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और मतलब तुम कैसे एकदम, जो बच्ची अभी ढंग से बोलना भी नहीं जानती, उसे समझ भी नहीं है, तुम कैसे उसके लिए कमेंट कर लेते हो यार। तुम्हें अपने ऊपर ना शर्म आनी चाहिए, तुम लोग कितने जलील हो। मतलब एक 2 साल की बच्ची, जो 2 साल की भी नहीं हुई अभी, 1.5 साल की बच्ची के लिए आप लोग कैसे कैसे कमेंट कर लेते हो, थोड़ा सोच समझ के करा करो यार। हद है तुम लोगों के दिमाग की ना, मतलब क्या करें ना, तुम्हें तोप मार दें बीच रोड में खड़े करके। और बहुत सारे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे कि दीदी आप अपसेट मत हो, आप खुश हो जाओ, रेगुलर व्लॉगिंग करो, ये करो। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत गर्मी लग रही है भाई, पंखा चलाऊंगी तो घड़ा घड़ा आवाज होगी। और जो लोग, ये रही फेक आईडी बना के आजकल यार मेरे इंस्टा पे क्या हो रहा है, मैं बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक कर चुकी हूँ फेक आईडी बना बना के ना, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ। और इतने जलील लोग हैं कि बैक टू बैक फेक आईडी बनाए जा रहे हैं, तो मैं तो ये बोल रही हूँ रियल आईडी से सामने आ जाओ। मैं तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है यार फेक आईडियों से कमेंट कर रहे हो, रियल आईडी से सामने आओ ना। फेक आईडी से कमेंट करके क्या मिलता है? वैसे तुम कह रहे हो कि हमारी टक्कर नहीं ले सकती, हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, फिर तुम फेक आईडियों से कमेंट कर रहे हो। ये क्या टक्कर हुई फेक आइडिया बना के? क्या मतलब औरतों वाले काम है तुम्हारे? मतलब औरत भी हो सकती है यार, आदमी ना हो, औरतों के औरतों वाले, मतलब कैसे काम है तुम्हारे जलीलो वाले? फेक आईडी से नहीं, रियल आईडी से सामने हो, फिर बात करते हैं। तो ये वाले ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। और इसके बाद भी अगर किसी के और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगी। क्योंकि बार बार ब्लॉग बनाने में ना Q&A बड़ी दिक्कत होती है गाइस, क्वेश्चंस उठाना, स्टोरी लगाना। तो आप कमेंट करना इसी ब्लॉग में, मैं कमेंट में सबके रिप्लाई कर दूंगी आज वाले ब्लॉग पे, अच्छे बुरे सारे। इसके बाद भी किसी को बुरे कमेंट करने, मैं भाई अपनी सफाई नहीं दे सकती कि मैं कैसी हूँ मैं। और हाँ, एक और ये था कि घर का काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो मेरा काम आके यार तुम नहीं करके जाते, तो क्यों इतनी बकवास करते हो यार? और मैंने हेल्पर लगा रखी थी, हाँ मेरे एक आया था कि आप बोलते थे गाजीवाद वाले फ्लैट में कि मुझे किसी से काम कराना पसंद नहीं है, अब मुझसे नहीं होता, ठीक है। अब मेरे सीचुएशन को लेके लोग मजाक उठा देते हैं, जो तुम बोलते हो कि और लोगों को देखो काम करते हैं करते हैं, भाई उनकी उम्र देखो, या जो अब मेरी मम्मी को ही देख लो, मेरी मम्मी की एज देखो, ठीक है, या फिर किसी भी बड़ी आंटी की या फिर किसी भी बड़ी दीदी की एज देखो। मेरी 21 की एज में मेरा डबल ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ज्यादातर अपनी बॉडी को ऐसे काम वगैरह नहीं कर सकती, तो तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? मेरा काम आके तुम थोड़ी करके जाते हो। और रही बात 21 की एज में ऑपरेशन होना, फिर सारी चीजें मैनेज करना, बॉडी को उसी तरीके से रिकवर करना, तो मुझे ज्ञान मत दिया करो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, और मेरे घर का काम आके या मेरा काम आके तुम नहीं करके जाते। मैं किसी पे किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं हूँ, मेरा सब कुछ अपने दम और अपने बलबूते पे है, किसी के तलवे चाट के किसी के लल्लो पोचो करके नहीं है। और जो भी है बकवास करते हैं ना, तो तुम्हारे पास जो भी है ना हमारा दिया हुआ, उसे बंद करके दोबारा स्टार्ट करके हीरो बन के दिखा दो, तब मानूंगी मैं। बैकग्राउंड में मम्मी आ गई अपना सूट लेने, तो बस ऑन कर ले बेटा। अरे मम्मी फिर गड़गड़ आवाज होती नहीं, है आवाज नहीं। तो चलो गाइस टाटा बाय बाय, लव यू, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और आज तो मैं पसीनों में ग्लो कर रही हूँ, देखना यार बिना फिल्टर के पसीनों में ग्लो। बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जो लोग अभी भी मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए मेरे दिल में हमेशा प्यार रहेगा। एक कमेंट ये था कि दीदी आपका अपने व्यूअर्स से मिलने का मन नहीं करता? बहुत मन करता है, पर अभी मैं इतनी एबल नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा मीटअप रख पाऊँ, आप सबको बुला पाऊँ। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना, तो मैं बहुत अच्छा मीटअप रखूंगी, आप सबको बुलाऊंगी और हम सब मिलेंगे। जल्दी करूंगी यार, मैं पैसे जोड़ लूँ फिर, ठीक है।